हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है सो सॉरी झांकी हिंदुस्तान की। तो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, पर वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो मजेदार लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो, बिकॉज इनके वीडियोस बड़े कमाल के होते हैं, एक से एक बढ़िया होते हैं। अब देखते हैं इन्होंने रिपब्लिक डे के ऊपर क्या बनाया है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो सॉरी, सेक्शन में कैसा लगा? छोटा होता है, करेक्ट, हर बारी बोलती हूँ, पर मजेदार बड़ा होता है। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इस टाइप से होगा। मुझे लगा था कोई झांकियों के साथ कोई गाना या कुछ उस टाइप से है, पर इसमें तो कोई गाना था ही नहीं। पर उन्होंने जो है गिनती की थी, चार या पांच झांकियां दिखाई, और उसमें हर चीज जो मेन आजकल के जमाने में चल रहा है इंडिया के से रिलेटेड उसको दिखाया। सबसे पहले था कोविड, कोरोना, तो उन्होंने दिखाया इंडिया ने अपनी वैक्सीन बना ली है। और उसके बाद वो तो बड़ा अच्छा लगा हमें, पर उसके बाद जब आगे झांकी का वो जो था आगे उसको कंटिन्यू किया कि अंदर बनाया क्या उसके अंदर, तो उन्होंने दिखाया कि एक हथौड़ा है जो कोरोना का जो कीटाणु है उसको, वायरस को मार रहा है। और उस हथौड़े को एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट किया, मोदी जी, मोदी जी का थाड़, मोदी जी का आ रहा है थाड़। वो बड़ा मजेदार था। अच्छा, मुझे लगा अच्छा ये तो हो गया, अब इससे बढ़िया क्या आएगा, इतना अच्छा दिखाया। वो नेक्स्ट झांकी दिखाई राहुल गांधी की, और उसमें दिखाया कि इंजेक्शन रेडी हो गया है कोरोना का देने के लिए, डॉक्टर रेडी है। और वहां पे वो जो है राहुल गांधी वो भाग रहे हैं कि मैंने नहीं लगवाना, मैंने नहीं लगवाना, मैंने नहीं लगवाना। क्यों? क्योंकि उनको ऑपोजिशन है भाई, ऑपोजिशन ने तो हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही है। तो वो दिखा रहे हैं कि डॉक्टर पीछे भाग रहा है और वो नहीं लगा रहे, वो दुनिया को ही दिखा रहे कि मत लगवाओ। तो वो बड़ा अच्छा था। और उसमें उन्होंने दिखाया कि जो पब्लिक है, पहले वाले में तो पब्लिक ने चीयर किया कि बहुत अच्छा काम है, इसको देख के दिखाया कि पब्लिक जो है कितनी डिसअपॉइंटेड हुई है कि एक इंडिया का लीडर, वो उस पार्टी का जो कितने सालों से इंडिया को गवर्न कर रही थी, उसका एक लीडर जो अब आया है वो इस टाइप का बिहेवियर कर रहा है, तो दुख हो रहा है पूरी पब्लिक को। उसके बाद मुझे लगा चलो अब तो और कुछ है ही नहीं, और क्या ऐसा बचा है। तो एक आ गए उनके वेस्ट बंगाल की स्टोरी, और वो तो अब हमें रिसेंटली पता चला क्योंकि जब मोदी जी वहां गए हैं कोलकाता में तो अब हमें पता चला। अच्छा, हमने पता है वो पार्ट ही नहीं किया था, पता नहीं हस्बैंड को पता है कि नहीं, कि मैंने वो पार्ट देखा बाद में कि उस पार्ट में जब उन्होंने बुलाया था, जैसे मोदी जी ने आके स्पीच दी ना, तो उन्होंने ममता को भी बुलाया कि आप भी अब आके स्पीच दो। तो जब वो स्पीच देने आई तो वहां पे जो लोग बैठे हुए थे, कई जो सन्यासी टाइप थे जो पहनते हैं ना वो भवे कपड़े और वो सब,
उन्होंने वहां से अपनी सीटों से जय श्री राम बोला, और बहुत ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से एक थोड़े से चार पांच गिनती के लोग थे, और बाकी लोग वहां पे जो थे उन्होंने पीछे उनको बोला नहीं नहीं चुप हो जाओ उस टाइप से, वो चुप भी हो गए काइंड ऑफ. तो बस इतना स्लाइट था, कुछ टू मच भी नहीं था जहां तक मुझे लगा. वो ममता जी जो आई वो वहां पे खड़ी हुई और उन्होंने बस यही बोला कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मुझे बुलाया गया और इस तरह से इंसल्ट करी जा रही है, ये एक पब्लिक उस टाइप से है, उसमें ये इस टाइप का बिहेवियर कर रहे हो. और फिर बस जय पता नहीं कलकत्ता की बंगाल या ऐसे कुछ, और जय हिंद करके वापस सीट पे बैठ गई दिखाने के लिए कि वो गुस्से हैं. और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे पता चला कि इसमें उनको प्रॉब्लम हुई कि जय श्री राम क्यों बोला, उन्हें लगा कि बहुत गलत काम किया जा रहा है. और कई ऐसी जगहों पे वो खुद गई हैं और वहां पे खुद जो है इंशा अल्लाह और उस टाइप से जो है ना खुद ही बोल रही है नारों में, जहां पे भी भाषण दे रही हैं. तो वो टू साइडेड फेस देख के मैं भी काफी हैरान हुई कि आपकी इंसल्ट कैसे हो रही है. भगवान, किसी भी भगवान का नाम लिया जाए उसमें इंसल्ट क्या है? और अगर आपको कोई किसी तरह से भी प्रॉब्लम है, अभी आप इतने पब्लिक एरिया में आए हो तो आपको एटलीस्ट जो नेताजी की जो आप करने आए हो, उनकी इवेंट को सेलिब्रेट करने आए हो, बर्थ सेलिब्रेशन हो रही है उनकी, तो आप उसमें एटलीस्ट प्रॉपर अपना भाषण तो दो. उस टाइप से ये क्या किया आपने और बैठ गए, तो वो बहुत गलत था. तो उसके बाद जब ये वेस्ट बंगाल का आया ना, तो मेरे को ये नहीं पता था, उसमें उन्होंने दिखाया कि जो अमित शाह है वो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं और उस पर सोते सोते वो सोच रहे हैं कि ये जो भी 2021 का जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आना है. और वहां पे दिखा रहे हैं ममता जो है वो बड़ी अच्छी जैसे होते हैं वैसे पर नमस्कार कर रही है, मतलब वोट लेने के लिए कर रही है. और जैसे ही वो देखते हैं कि वो अमित शाह तो सपने में भी वो हार्ट बना के वो देख सोच रहे हैं मेरे यहाँ के इलेक्शन का, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है कि बीजेपी किसी तरह से जीत ना जाए. वो उनका वो जो है हार्ट वाला बबल जो है सोचने वाला पट करके फोड़ दिए हैं. और फिर उनको लगता है सब ठीक हो गया, मैंने कर दिया इनका, अब मैं जीत गई हूँ. और फिर अपना वापस करती है तो देखती है थोड़ी देर में फिर अमित शाह का वो हो जाता है तो फिर फोड़ती है. तो वो दिखा रहे थे इनडायरेक्टली कि क्या सिचुएशन हो रही है वहां पे वेस्ट बंगाल में. और उसके बाद आया उत्तर प्रदेश, मेरे को कोई आइडिया नहीं था. और उसमें योगी जी दिखाए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं. और पीछे वाला जो मजे बहुत ही मजेदार था कि उन्होंने दिखाया कि एक जो मुसलमान है वो जैसे वो था ना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जैसे सबसे फेमस सीन कि वो ट्रेन पे है और वहां से लड़की भागती हुई आ रही है उसके साथ जाने के लिए शादी करने के लिए. और दिखा रहे हैं वो एक हिंदू लड़की है और ये यहाँ पे, तो वो वहां से जो है वो पुलिस वाले जो है वो खड़े होते हैं और डंडा मार के रोकते हैं कि नहीं गलत बात है, ऐसे नहीं करना है, तो भाग के शादी नहीं करनी है और गलत काम है, वही जो आजकल चल रहा है सिचुएशन पे. तो हर एक का उन्होंने मेन बना के एक अवेयरनेस लाने की कोशिश की और बहुत ही सुंदर था. और वो पार्ट भी बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग की उन्होंने एयरप्लेन्स जा रहे हैं और पीछे से जो है हमारे तीन जो ट्राई कलर्स हैं उनको वो कर रहे हैं, और एंडिंग भी वैसी प्लेन्स जा रहे हैं इंडिया गेट के वहां से और वो रहा. तो मुझे तो बहुत मजा आया. म्यूजिक थोड़ा कम था, अगर थोड़ा सा म्यूजिक या कुछ सॉन्ग भी हो जाता तो मजा आता. ओ और मेन मोदी जी का, वो तो भूल ही गई, कैसे याद नहीं रहा. तो मोदी जी बनाए म्यूजिशियन, पहले मुझे लगा शायद राजा बनाए हैं, पर फिर वो ऐसे फिर लगा कि म्यूजिशियन बनाए हैं. और उन्होंने वहां पे जो है उसको जादू करके जो नई बिल्डिंग उन्होंने बनानी है उसको किया और नई बिल्डिंग हो गई. तो वो भी एक जो मोदी जी कर रहे हैं वो कमाल की चीज कर रहे हैं. तो फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी दिखाई उन्होंने झांकिया जो मेन चीजों को जो है वो दिखा रहे थे, मजा आ गया. राइट, तो काफी अच्छा था, बहुत ही अच्छी झांकियां थी. इसमें सिर्फ यही कहूंगा जो उत्तर प्रदेश वाली थी उसमें लोगों को गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए. वो ये नहीं कह रहे कि आपस में शादी नहीं करो, ये नहीं कह रहे. आप शादी कर सकते हैं आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिलीजन की कोई ऐसी इंटर रिलीजन की मैरिज की कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो ये सिर्फ कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते, अगर आप शादी कर रहे हैं ये दिखाकर कि आप हिंदू हैं मगर बाद में आप रिवील करते हैं कि आप मुस्लिम हैं, तो ये बात गलत है. वो गलत बात पे बेस्ड है, आपने झूठ बोला था, झूठ बोल के दिखाया कि आपका रिलीजन हिंदुइज्म है, आप शादी करते हैं बाद में आप रिवील करते हैं कि आप हिंदू नहीं है मुस्लिम है, तो ये बात गलत है. जो भाई साहब शादी करना चाहते हैं बोले मैं मुस्लिम हूँ शादी करना चाहता हूँ, लड़की बोले कि ठीक है, तो जो भी है, मतलब पॉइंट ये है कि अगर आप
बिना किसी छल कपट के शादी करते हैं, वेरी गुड। और इंटर मैरिज रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो लॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती, एज लॉन्ग एज कि दोनों ही एग्री करते हैं और सच्चाई से काम हो रहा है, तो उसमें ये था। और दूसरी बात जो थी, काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं प्रोग्रेस कोरोना वायरस में को हटाने के लिए, इंडिया नंबर वन है, जो वैक्सीन्स बन रही है दैट इज़ वेरी गुड, और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है दिखा रहे हैं, नई बिल्डिंग्स आ रही है, तो वो मेरे ख्याल से समझ सकते हैं पूरी इंडिया में नई इंफ्रास्ट्रक्चर आएगी, तो बहुत अच्छा बनाया है। बहुत ही उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर किया था, छोटा सा है पर उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर देते हैं, ग्राफिक्स भी बहुत ही बढ़िया होते हैं, तो वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया। तो बताना आपका फेवरेट इन सब में से कौन सी वाली झांकी थी। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।